हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 9th की एडिशनल एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 to 21। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो आपसे मिस हो चुकी है, जिसके अंदर हमने 16 क्वेश्चन कवर किए थे, ऑल्सो इस चैप्टर की कोई भी वीडियो आपसे मिस होगी, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाके पहले इसको शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 17th एडिशनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। Anvils made of single crystals of diamond with the shape as shown are used to investigate behavior of materials under very high pressures. Flat surfaces at the narrow end of the anvil have a diameter of 0.5 mm and the wide ends are subjected to the compressional force of 50,000 newton. What is the pressure at the tip of the anvil? तो एक anvil क्या है? एक तरीके का एक device जो जो किससे बनी हुई है? डायमंड से बनी हुई है। ये जो डिवाइस है ये किस लिए यूज़ में आती है? ये दूसरे मटेरियल्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज़ में आती है। और कैसे स्टडी करते हैं? उसको हम हाई प्रेशर अप्लाई करके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो टू डायमंड के कॉन्स हैं जिनकी इस तरीके की शेप है, और इनके बीच में क्या है, एक कोई भी आप मेटल कैस्टिक या आप कह सकते हो कोई भी आप सैंपल अप्लाई कर सकते हो। और फिर हम क्या करते हैं, हम ऊपर से इसके ऊपर हल्का सा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, हल्का सा फोर्स लगाते हैं। और जैसे हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ एरिया बहुत कम है, है ना, ये एरिया बहुत कम है। तो जैसे हमने हल्का सा फोर्स लगाया तो यहाँ पर क्या होने लगे, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत कम है, है ना। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। तो हल्का सा फोर्स लगाया बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से हम इस सैंपल को स्टडी कर सकते हैं अंडर वेरी हाई प्रेशर। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई एक यहाँ पर एक मेटल लगाई गई है और इनके जो डायमीटर हैं, इनके एंड्स के डायमीटर हमें दे रखे हैं ये वाले, ठीक है, और हमें बोल रखा है कि जो फोर्स अप्लाई किया है वो हमने 50,000 न्यूटन का अप्लाई किया है। व्हाट इज़ द प्रेशर एट द टिप ऑफ द एनविल? एनविल के टिप पर क्या प्रेशर होगा? वेरी सिंपल, फोर्स हमें दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है इसका, तो हमने क्या लगाना, यही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमें अप्लाई करना है to find the pressure at the tip of the anvil. So first of all, force is given that 50,000 newton. Area of tip, tip is of circular shape, तो क्या हो जाएगा, pi r square हो जाएगा, but we are given with the diameter, ठीक है, तो diameter कितना है, 0.5 mm है, तो radius कितना हो जाएगा, 0.25 mm, half होता है, ठीक है। और हम सारी की सारी जो कैलकुलेशंस करते हैं वो ऐसा यूनिट में करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 mm के लिए क्या हो जाएगा, 10^-3 मीटर आ जाएगा, आ गया रेडियस। तो अब हम यहाँ पे एरिया के लिए पुट कर सकते हैं, एरिया हो जाएगा 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10^-3 का होल स्क्वायर, तो ये एरिया आ जाएगा आपका किस में, मीटर स्क्वायर में। तो फोर्स आ गया, एरिया है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो यहाँ हम ऐसे अप्लाई करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज 50,000 न्यूटन एंड डिवाइड में 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10^-3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2.55 इंटू 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग प्रेशर। सो हमें पता है प्रेशर की ऐसे यूनिट होती है पास्कल, विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर फोर्स का न्यूटन और नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये निकाल लिया हमने कि यहाँ पर इस मेटल के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन 17, चलिए करते हैं क्वेश्चन 18। तो क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, अ रोड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर हैविंग नेग्लिजिबल मास इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय द टू वायर्स, ए वायर इज मेड अप ऑफ स्टील एंड बी वायर इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ इक्वल लेंथ एज शोन। तो ये क्या है, एक तरीके का सेटअप क्रिएट किया गया है, ए वायर ये जो है ये स्टील की वायर है और ये जो वायर है ये एल्यूमिनियम की वायर है। और
अब यहाँ पर एक और एक रोड यहाँ पर एक बांध दी गई है, और ये जो रोड है नेग्लिजिबल मास के, इनके आप इसका मास अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है, अब उन्होंने बोला है कि इनके जो वायर्स हैं इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है, इसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। एट व्हाट पॉइंट अलोंग द रोड शुड बी मास एम बी सस्पेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस बी इक्वल स्ट्रेन इन बोथ स्टील एंड एल्यूमिनियम वायर्स। तो सबसे पहले हम ये पार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है कि ये जो रोड है ना, जिसका मास ही नहीं है, नेग्लिजिबल मास है, इसके ऊपर हमने एक मास टांगना है, मास कहीं लगाना है। वो हम मास कहाँ लगाएं सच दैट दोनों के अंदर, स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर, दोनों वायर्स के अंदर इक्वल स्ट्रेस क्रिएट हो, ठीक है, इक्वल स्ट्रेस क्रिएट हो। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमने कहीं यहाँ पर मास लगा दिया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो मास लगा दिया, मास का मतलब क्या है कि जैसे कि हम कह सकते हैं एम जी, हमने इतना लोड यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। और ये जो है वो इस वायर से एक्स डिस्टेंस पर दूर है, और ये मास फिर यहाँ से कितना दूर हो जाएगा, स्टील वायर से तो एक्स डिस्टेंस पे दूर है। टोटल जो है रोड की जो लेंथ है वो 1.05 है, तो ये एल्यूमिनियम से कितना दूर होगा, 1.05 - x मीटर दूर होगा ये मास, है ना। तो टोटल 1.05 है, ये x है, तो ये कितना होगा, 1.05 - x। तो हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों को हमने 7th चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि जैसे ही जब हम इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं ना दोनों तरफ, क्या हो, स्ट्रेस इक्वल क्रिएट होना चाहिए, इक्वल लेंथ है, स्ट्रेस इक्वल क्रिएट हो। तो जब स्ट्रेस इक्वल क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, वहाँ पर हम एक तरीके से इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम की बातें करते हैं। यानी कि ये जो रोड है ऐसे ऐसे ना होकर इक्वल रहे, यानी कि रोटेट ना हो, है ना, ऐसे रोटेट ना हो, इक्वल ऐसे बैलेंस्ड रहे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या था, यानी कि जितनी यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रही है मल्टीप्लाई बाय जितना यहाँ से हमने मास का डिस्टेंस है, फिर इज इक्वल टू जितनी यहाँ पर टेंशन इस तरीके से क्रिएट हो रही है, यहाँ की टेंशन इधर क्रिएट हो रही है, यहाँ की टेंशन इधर क्रिएट हो रही है, तो यहाँ से जितनी टेंशन क्रिएट हो रही है मल्टीप्लाई बाय इसका जितना डिस्टेंस है, वो दोनों इक्वल होते हैं, तभी हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यही हम अप्लाई करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हमारी कंडीशन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यहाँ ब्रैकेट में मैं डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रह सके, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि यहाँ की टेंशन मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ के लिए जो टेंशन क्रिएट हो रही है लेट इट बी T1, और यहाँ के लिए जो क्रिएट हो रही है लेट इट बी T2, तो टेंशन जो क्रिएट हो रही है इनटू उसका डिस्टेंस, और यहाँ पर जो टेंशन सेकंड में जो क्रिएट हो रही है इनटू उसका मास का यहाँ से डिस्टेंस, तो 1.05 - x, ठीक है। एक चीज़ हमें यहाँ पर ये मिल गई, ओके। अब उन्होंने बोला है कि सच दैट इक्वल स्ट्रेस है, ठीक है, इक्वल स्ट्रेस। इक्वल स्ट्रेस का मतलब क्या है, इक्वल स्ट्रेस का मतलब क्या है, स्ट्रेस का पहले फॉर्मूला बताओ मुझे, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और फोर्स क्या होता है, अब आप खुद बताइए, अगर एक वायर में नीचे की तरफ हमने लोड लगाया है तो ऊपर उतनी ही टेंशन क्रिएट होती है जितना नीचे लोड होता है, तो यानी कि हम यहाँ पर ऐसे T/A होता है, सेम होता है, टेंशन बाय एरिया ही होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि दोनों की तरफ स्ट्रेस इक्वल होना चाहिए, है ना, स्ट्रेस इक्वल है दोनों का, यानी कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। इनडायरेक्टली हमें निकालना क्या, हमें तो x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो पहले तो हमने एक इक्वेशन बना के रख दी, अब सेकंड क्या है, उन्होंने इक्वल स्ट्रेस बोला तो इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ निकालेंगे और हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला एट व्हाट पॉइंट, राइट। अच्छा, तो अब खुद सोचिए हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो स्ट्रेस फर्स्ट वायर का इक्वल है स्ट्रेस सेकेंड वायर के, है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रेस फर्स्ट वायर में जो क्रिएट हो रहा है इक्वल है स्ट्रेस जो सेकंड वायर में क्रिएट हो रहा है, दैट इज टेंशन ऑफ फर्स्ट अपॉन में एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू टेंशन ऑफ सेकंड अपॉन में एरिया ऑफ सेकंड, यही फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का, ठीक है। तो अगर मैं इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, T1 यहाँ से नीचे आ जाएगा T2, एरिया ऊपर चला जाएगा A1 अपॉन में A2, है ना। अच्छा, ओके,
अरे T1 T2 यहाँ पे ऐसे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैं क्या यहाँ से भी ऐसे कुछ बना सकती हूँ? बना देते हैं, ये T1 इधर, यहाँ पर T2 नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे 1.05 माइनस एक्स, यहाँ पर भी एक्स नीचे ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी T1 अपॉन में T2 आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर भी T1 अपॉन में T2 आ रहा है, यार ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू हम यहाँ से होप कर रहे हैं निकल आएगी, है ना। अब देखो कैसे निकल के आएगी, हम दोनों में क्या कर देंगे, इक्वेटिंग 1 और 2, क्योंकि ये भी T1 बाई T2 है, ये भी T1 बाई T2 है, तो ये हो जाएगी इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2। तो ये होगा आपका 1.05 माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट वायर अपॉन में एरिया ऑफ सेकेंड वायर। अब एरिया कैसे निकालें, हमें दोनों के ही क्या दे रखे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर और सेकेंड का है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 10^-3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10^-2 × 10^-3 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वन मोर थिंग, मिलीमीटर स्क्वायर है तो ये होगा -6, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10^-3। तो अब यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा -6। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2। तो यहाँ पे आगे 1.05 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 उधर चला जाएगा, हो जाएगा 2.10 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2.10 इज इक्वल टू 3x, 3 इधर डिवाइड में कैंसिल होकर आ जाएगा 0.7 मीटर, ये आ गया आपका x। तो यानी कि फर्स्ट वाला जो वायर है वहाँ से ये मास 0.7 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। अगर ये 0.7 है तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस करके बता सकते हैं कि भाई सेकेंड वाले की कितनी दूरी पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट करा। कैसे किया, सबसे पहले तो हमने देखा भाई रोड में टेंशन क्रिएट हो रही है अगर हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें याद आया कि हमने 7th चैप्टर में रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो वहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाली। फिर हमें दे रखा था इक्वल स्ट्रेस, तो इक्वल स्ट्रेस से भी हमें इक्वेशन मिल गई, ये भी T1/T2 था, ये भी T1/T2 था, दोनों को ही हमने इक्वेट करके वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब इन्होंने क्या बोला है, अब अगेन हमें सेम चीज़ फाइंड करनी है, लेकिन अब हमें क्या बोला, इक्वल स्ट्रेंस बोला, इक्वल स्ट्रेन। ठीक है, तो यानी कि ये वाली इक्वेशन तो हम यूज कर ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है, अभी भी सेम ही कंडीशन है कि ये जो है लेट इट बी की एक्स के डिस्टेंस पर है, ये कितना है 1.05 माइनस एक्स के डिस्टेंस पे है, टेंशन तो अभी भी उतनी ही क्रिएट हो रही है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन तो यूज हम करेंगे ही करेंगे। अब पहली वाली में हमने स्ट्रेस यूज़ किया था फॉर ए, लेकिन अब सेकंड वाले में अब हम स्ट्रेन यूज़ कर देते हैं, तो वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो बी के लिए हमें बोला है इक्वल स्ट्रेन, तो इक्वल स्ट्रेन्स, हाँ तो स्ट्रेन्स क्या होते हैं, स्ट्रेन्स का मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, भाई हमें वायर की लेंथ से क्या मतलब, हमें तो एक्स निकालना है, ऐसे तो अगर मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाऊंगी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये तो नहीं आएगा, यहाँ तो एक्स आ ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। तो मैं इस तरीके से, जैसे मैंने स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा के मैंने ये इक्वेशन बनाई थी, बट इस तरीके से स्ट्रेन का लगा के तो मैं नहीं बन पा रहा, क्योंकि यहाँ तो लेंथ की वायर की लेंथ की बात होने लगी, एक्स में तो इक्वेशन आई नहीं जिससे मैं फर्स्ट को यूज़ कर सकूँ, है ना। तो उसके लिए मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यंग्स मॉडुलस। कैसे, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो इसीलिए यंग्स मॉडुलस हम यहाँ पर स्टील की बात कर लेंगे और यहाँ पर यंग्स मॉडुलस यहाँ एल्यूमिनियम की बात कर लेंगे। तो हाँ, इस चीज़ को यूज़ करके हम फिर से एक्स में एक इक्वेशन ला सकते हैं, फिर से इस फर्स्ट वाली को इक्वेशन को इक्वेट करके फिर हम एक्स की वैल्यू ला सकते हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं फिर से। तो ये हो गया यहाँ से, हाँ यहाँ से स्ट्रेन निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई, स्ट्रेन क्या निकल के आएगा, स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से स्ट्रेन क्या निकल के आएगा, स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ओके। तो स्ट्रेस क्या होता है,
फोर्स अपॉन एरिया या फिर टेंशन अपॉन एरिया, तो फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। ये भी यंग्स मॉडुलस हो गया स्टील, यानी कि फर्स्ट वाले का। यहाँ से बात करते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड का टेंशन, सेकंड का एरिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ सेकंड वायर। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, दोनों स्ट्रेन इक्वल है, ठीक है। तो स्ट्रेन ऑफ फर्स्ट वायर इक्वल्स टू स्ट्रेन ऑफ सेकेंड वायर, तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। टी वन अपॉन में ए वन वाई वन, टी टू अपॉन में ए टू वाई टू, ठीक है। ओके, अब फिर से देखिए, हमें तो टी वन टी टू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो हमें मिल ही रहा है। टी वन नीचे ले आते हैं, यहाँ पर टी टू, अभी उठा के ऊपर ले जाते हैं, ए वन वाई वन अपॉन में ए टू वाई टू। आगे मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, इसी की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि टी वन अपॉन में टी टू की फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलेगा, मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग वन एंड टू, तो कर दो इक्वेटिंग वन एंड टू, इक्वेटिंग वन एंड टू। तो फर्स्ट वाली थी आपकी वन वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू ए वन अपॉन में ए टू। ए वन अपॉन में ए टू का तो हमने फॉर्मूला हमने वो निकाल ही लिया था, रेशो क्या था, रेशो ए वन अपॉन में ए टू का रेशो वन बाई टू है ना, दोनों का एरिया। तो ये वाला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए वन अपॉन ए टू की जगह पे तो हम लिख देते हैं वन बाई टू। एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर इज स्टील, तो यंग्स मॉडुलस जो स्टील वायर का होता है वो कितना होता है, वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा एग्जाम्स में, ब्रैकेट में लिखा होगा हर क्वेश्चन के कौन सा यंग्स मॉडुलस यूज़ करना है आपको। तो यंग्स मॉडुलस स्टील वायर का होता है 200 × 10⁻¹, और एल्यूमिनियम का होता है 70 × 10⁻¹। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 10। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 7.35 माइनस 7x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10x। ठीक है, 7.35 इज इक्वल टू, इधर आके प्लस का हो जाएगा 17x, और 7.35 डिवाइड में 17 करेंगे, ये कैंसिल होकर आएगा 0.43 मीटर, ये आ जाएगा आपका x। तो यानी कि अगर स्ट्रेन इक्वल होता है दोनों का, तो ये जो है ये होगा 0.43 मीटर। ठीक है, फर्स्ट वायर से ये कितनी दूर हैंग होगा, 0.43 मीटर। लेकिन अगर स्ट्रेस दोनों का इक्वल होता है, तो ये कहाँ कितना हैंग होगा, ये 0.7 मीटर फर्स्ट वायर से इतनी दूर हैंग होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 ध्यान से देखेंगे, अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 × 10⁻²² सेंटीमीटर स्क्वायर इज स्ट्रेस्ड वेल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पिलर्स। ओके, हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पिलर्स, अ मास ऑफ 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, कैलकुलेट द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट। तो ये दो पिलर हैं, मान लो ये पिलर है, एक एक ये पिलर है, ठीक है। इसके बीच में एक वायर, स्टील वायर जो 1 मीटर की है, इसको स्ट्रेच करके रखा गया है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको दे दी गई है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया गया है, लेंथ इज 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.5 × 10⁻²² सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अगर मैं सीधा डायरेक्ट इसको हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो कितना आएगा, ये तो हो गया ये, और मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया को पहले ही मीटर स्क्वायर में निकाल लिया, ये लेंथ आ गई मीटर्स में इसकी, इसका एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा ए पिलर, ये रहा बी पिलर, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक मास को हैंग किया है बिल्कुल मिड में, यहाँ हमने हैंग किया है एक मास को, ठीक है, 100 kg का मास, 100 grams का, सॉरी 100 grams का मास, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, वेट हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 9.8 करके उसको, है ना। ओके, तो ये हो गया, अब आगे चलिए। अब हमें देखना है कि इसके अंदर कितनी डिप्रेशन हुई है, यानी कि ये कितनी नीचे की तरफ झुकी है, ठीक है। वैसे तो बहुत हल्का सा डिप्रेशन होगा, ऐसे हल्का सा होगा, लेकिन आपको विजुलाइज करवाने के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिप्रेशन बना रही हूँ। मान लो ये वायर कुछ इस तरीके की हो जाती है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे हो जाती है,
ठीक है, ये ऐसे डिप्रेशन में आ जाती है, इधर नीचे की तरफ हो जाती है। वैसे इतनी होगी नहीं, प्रैक्टिकली देखें तो बहुत हल्का सा फर्क आता है, लेकिन आपको अच्छे से दिखाने के लिए हमने कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा इसको बेंड करवा रही हूँ। ठीक है, ओके, तो उसको नाम दे देते हैं हम कि ये ए बी और मान लो ये सी और ये डी है। ठीक है, ये इतना डिप्रेशन आ गया, तो लेट दिस डिप्रेशन बी एक्स। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से हमने इसको हैंग कर रखा है, ये इतना डिप्रेशन हो गया एक्स, तो हमें ये एक्स फाइंड करना है। और ये मिड में है, मिड में है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 0.5 मीटर और ये भी कितना होगा, 0.5 मीटर होगा। ठीक है, ओके, तो हम फिगर में ध्यान से देख पा रहे हैं कि यानी कि हमने कोई चीज़ हैंग की है, वो नीचे लटक गई है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेच हुआ है। जहाँ कोई भी चीज़ स्ट्रेच होती है, लेंथ में चेंज आता है, हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम यंग्स मॉडुलस की हेल्प लेते हैं, राइट। तो चेंज इन लेंथ में हम क्या किसकी हेल्प लेते हैं, यंग्स मॉडुलस की। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमें फाइंड तो एक्स करना है, ठीक है, लेकिन हम कैसे एक्स फाइंड कर सकते हैं, हम हेल्प लेंगे यंग्स मॉडुलस की, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, वायर स्ट्रेच हो रही है, दैट्स वाई हमने इस चीज़ की हेल्प लेनी है। तो यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील वायर, वी नो दैट। हमें क्या निकालना है, स्टील के लिए हमारे पास है, तो हम पहले स्ट्रेस निकालेंगे, कुछ एक्स की टर्म्स में आएगा, स्ट्रेन निकालेंगे, कुछ एक्स की टर्म्स में आएगा, फिर हम बाकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनडायरेक्टली हमें निकालना क्या है, हमें एक्स ही फाइंड करना है, लेकिन हेल्प हम किसकी ले रहे हैं, यंग्स मॉडुलस की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू वेरी फेयर रीज़न। नाउ अब हम फाइंड करते हैं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए चलो शुरू करते हैं स्ट्रेस फाइंड करना। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस होता है आप लोगों का फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। नाउ फोर्स, फोर्स मतलब कि यहाँ पर अब ये वायर खींच रही है नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई टेंशन क्रिएट हो रही है ना, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, टेंशन यहाँ हमने वो निकालनी है, टेंशन निकालनी है, यानी कि फोर्स निकालना है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या इनडायरेक्टली वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टी बाय ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ की टेंशन की बात करती हूँ तो देखो क्या होगा, अगर ये ऐसे नीचे की तरफ है तो यानी कि यहाँ पर नीचे हैंग हो रहा है, तो यानी कि एक तरीके से इस तरफ भी कोई टेंशन क्रिएट हो रही है और इस तरफ भी कोई टेंशन क्रिएट हो रही है, दोनों तरफ टेंशन क्रिएट हो रही है ना। अच्छा, तो टेंशन क्या है, यानी कि फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं उसको फाइंड करने की कोशिश करती हूँ तो मान लो कि यहाँ से इस ओरिजिनल पोजिशन से यहाँ का जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है ना। अच्छा, तो थीटा वाली साइड जो आप लोगों का कंपोनेंट जाता है, अगर मैं इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करूं तो थीटा वाली साइड कौन सा कंपोनेंट जाता है, कॉस थीटा है ना, तो टी कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके ऐसे परपेंडिकुलरली कौन सा जाएगा, टी साइन थीटा जाएगा। सिमिलरली अगर इस टेंशन की बात करती हूँ, ये भी थीटा ही होगा, तो इसकी ऊपर वाली साइड क्या जाएगा, टी कॉस थीटा, तो यानी कि टी कॉस थीटा एक और आ गया टी कॉस थीटा ड्यू टू दिस रीजन, और यहाँ पर परपेंडिकुलरली क्या जाएगा, टी साइन थीटा जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टी साइन थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल, लेकिन यहाँ पे मुझे टोटल क्या मिल रहा है, टेंशन टू टी कॉस थीटा, जो किसके ऑपोजिट है, एम जी के ऑपोजिट है ना। यहाँ से हम टी फाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसके ऑपोजिट है, एम जी के ऑपोजिट है, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है टू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी मिल रहा है मुझे, है ना। अच्छा, लेकिन मुझे चाहिए टी, तो अब मेरे को कॉस थीटा की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस को ध्यान से देखो, यहाँ कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसको छोड़ दो, बेस क्या बचा, ये बचा एक्स, और हाइपोटेनियस क्या बचा, ये बचा ये वाली लेंथ, ठीक है। तो इसको आप मान लो इस वाली ओरिजिनल लेंथ को मान लो एल वन, दैट इज 0.5, और ये स्ट्रेस्ड वाली को मान लो L2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि x बाय L2, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x बाय L2, ये आ गया mg। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, mg L2 अपॉन में 2x, ये आ गई आपकी टेंशन, ठीक है, ये आ गई t। अब एरिया, एरिया क्या है, सिंपल सी ए ही है, वो तो हमें दे ही रखा है, वो तो हम बाद में भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस का ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, एम जी एल टू अपॉन में
एरिया, तो 2ax, ये हमने निकालिया स्ट्रेस, ये हमने निकालिया स्ट्रेस। बट अगर हम ध्यान से देखें स्ट्रेस को, तो इसके अंदर mg, ठीक है, m है हमारे पास, g हमें पता होता है, एरिया हमें ऑलरेडी दे रखा है वायर का, ax हमें फाइंड करना है, तभी तो हम इसके फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। लेकिन l2 की अगर हम बात करें, तो l2 नहीं पता हमें कितना स्ट्रेच हुआ, तो जब हम लास्ट में फॉर्मूले में पुट कर रहे होंगे तो हमें तो कुछ नहीं पता होगा कि l2 क्या है। तो हमें सारा स्ट्रेस और सारा स्ट्रेन इस फॉर्म में लेकर आना है कि हमें बाकी सारी वैल्यूज पता हो एक्सेप्ट फॉर एक्स, एक्स तो हमें फाइंड करना ही है ना। तो यहाँ L2 नहीं पता हमें, तो L2 अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं इस वाले को अलग से निकाल के यहाँ बनाती हूँ, तो ये है L2, ये है ओरिजिनल लेंथ L1, और ये है एक्स, और ये है 90 डिग्री पे। क्या मैं L2 को अब ऐसे लिख सकती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम कि L2 क्या होगा आपका, रूट L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं अब, तो एम जी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर की 1/2 डिवाइड में 2ax। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो ध्यान से देखो ये जो डिप्रेशन होगा, ठीक है, इस ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, ठीक है। अगर एक लेंथ को मैंने ऐसे टांग के रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, और नीचे में कुछ हैंग करते, तो इसके अंदर डिप्रेशन बहुत कम क्वांटिटी में होगा एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि जो एक्स है वो बहुत छोटा 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 है लेंथ से, है ना, तो बहुत छोटा है। तो क्या लिख सकते हैं हम, 10, तो अब हम लिखेंगे कि एज एक्स जो है वो बहुत कम है लेंथ से, तो दस निगलेक्टिंग एक्स, तो जब हम इस एक्सप्रेशन में एक्स को निगलेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्ट्रेस इज इक्वल टू एम जी, एक्स तो हट गया, L1 का स्क्वायर है और ऊपर क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, पावर ख़त्म, तो स्ट्रेस कितना आ गया, एम जी L1 अपौन में 2ax, तो ये निकल गया स्ट्रेस। तो अब हमें स्ट्रेस स्ट्रेन फाइंड करना था, स्ट्रेस निकला है, अब चाहिए हमें स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ हम क्या मान रहे हैं, मान लो डेल्टा एल है, ठीक है, डेल्टा एल उसकी चेंज इन लेंथ होगी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने L1 माना है, है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो L1 ही होगा, L1 प्लस L1 कितना हो गया, 2L1 हो गया, ठीक है, तो ये हो गई ओरिजिनल लेंथ। तो अब चेंज इन लेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ हम लिख सकते हैं फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, है ना। तो इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, फाइनल लेंथ क्या बन रही है, ए डी बी बन रही है ना, और इनिशियल लेंथ क्या थी, ए बी थी, है ना। तो चेंज इन लेंथ क्या होगी, ए डी बी माइनस ए बी होगा, है ना, ये तो चेंज इन हुई है, ये तो नीचे की तरफ आई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, ये तो हो गई फाइनल लेंथ, है ना, माइनस इनिशियल, इनिशियल लेंथ कौन सी है, ए बी थी ना, इनिशियल लेंथ ए बी डिवाइड में 2L1, ठीक है, ओके। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले को न्यूमिरेटर को सॉल्व करती हूँ और उसका आंसर निकालती हूँ, उसके बाद डिवाइड में हम क्या कर देंगे, 2L1 कर देंगे, ठीक है। चलो अब हमने डिस्कस करना है सिर्फ डेल्टा एल विच इज़ इक्वल टू ए डी प्लस डी बी माइनस ए बी, है ना। तो आ जाओ अब ध्यान से देखो, ए डी प्लस डी बी हमने क्या किया, तो बिल्कुल सेंटर में है, तो ए डी प्लस डी बी एक ही हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी, है ना, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस ए डी दैट इज 2ad माइनस ए बी, ओके। अब ये हमने क्या है, ए डी ये क्या है, ये L2 मान रखा है, और L2 की हमने वैल्यू क्या निकाल रखी है ऑलरेडी, L2 की वैल्यू निकाल रखी है रूट L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रूट L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी क्या है, ए बी इज द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या है आपके पास 2L1, है ना, दैट इज 2L1, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एक L1 है ना, तो यहाँ पे L1 प्लस L1 क्या हो गया, 2L1 हो गया, ठीक है, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2L1 स्क्वायर प्लस
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ से मैं L1 कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैं L1 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ क्या बचता है 1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1/2 है, तो कैंसिल हो गया, एक ही तो बचा ना, तो एक जो बचा वो मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में L1 स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, जब कभी भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है उसको ओपन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल लगाते हैं, तो लगा दो बाइनोमियल। तो 2L1 जब बाइनोमियल लगाएंगे तो ये पावर 1/2 के नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में L1 स्क्वायर, प्लस हायर ऑर्डर की टर्म्स आ जाएंगी ना, हायर पावर की टर्म्स आ जाएंगी कि x का क्यूब, फिर x का एंड ऑल फिर माइनस 2L1। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि x ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसकी हायर पावर्स जो होंगी वो और भी छोटी हो जाएंगी, है ना, तो इसलिए हम इस चीज़ को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन बच गया, क्या बच गया, 2L1 वन प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन में L1 का स्क्वायर माइनस 2L1। अब 2L1 को ना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2L1 प्लस 2L1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2L1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एक L1 से एक वाला L1 कैंसिल, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ मुझे मिल गया 2L1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में L1, एक खत्म हो चुका है, माइनस 2L1, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कैंसिल, तो डेल्टा L जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं, तो डेल्टा L मुझे क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में L1 मिल गया मुझे, डेल्टा L मिल गया। ठीक है, तो डेल्टा L मिलते ही हम किस में पुट कर देंगे, स्ट्रेन में पुट कर देते हैं, तो स्ट्रेन क्या था, डेल्टा L अपॉन में 2L1, तो डेल्टा L आया मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में L1, नीचे क्या है 2L1, तो मल्टीप्लाई कर दो 2L1 के साथ, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 2L1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया स्ट्रेन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्ट्रेन मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2L1 का स्क्वायर। तो मेरे पास स्ट्रेस है, मेरे पास स्ट्रेन है, इनकी वैल्यूज हम किस में पुट कर देंगे, यंग्स मॉडुलस में, तो स्टार्ट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या निकल के आया है हमारे पास, एम जी L1 अपॉन में 2AX, डिवाइड में स्ट्रेन ये निकल के आया है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, 2L1 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यंग्स मॉडुलस हम स्टील की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ से मिल रहा है मुझे एम जी L1 का स्क्वायर, और L1 ये होगा L1 का क्यूब हो गया, नीचे ए एक्स एक्स स्क्वायर और एक एक्स ही हो गया, एक्स का क्यूब हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील आ गया। ठीक है, अब हमें हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ हैं, तो इन सब की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो चलो पुट करते हैं। एम मास कितना दे रखा है हमें, 100 grams, दैट कैन बी रिटन एज 0.1 kg, तो ये हो जाएगा 0.1, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हम 10 लेते हैं। लेंथ L1 कितनी है, ये हाफ वाला है ना, हाँ हाफ वाला, तो ये कितना होगा 0.5 का क्यूब। डिवाइड में एरिया हमने निकाल के रखा हुआ है, रख दो 0.5 × 10⁻⁶, एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, 2 × 10⁻¹¹। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1.07 समथिंग आता है, तो राउंड ऑफ करके 0.8 × 10⁻²⁺ मीटर, ये आ जाएगा आपका एक्स, यानी कि इतना डिप्रेशन हुआ है, इतना नीचे की तरफ वो स्ट्रेच हो गया है, इतना डिप्रेशन, तो हमने इस तरीके से ये एक्स फाइंड किया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th। तो अब करते हैं क्वेश्चन 20th, टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल आर रिवेटेड टुगेदर एट देयर एंड्स बाय 4 रिवेट्स,
each of diameter 6 millimeter, what is the maximum tension that can be exerted by the riveted strip if the shearing stress on the rivet is not to exceed this much? Assume that the each rivet is to carry 1/4 of the load. तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में 2 स्ट्रिप्स ली गई हैं मेटल की और उसको इकट्ठा रिवेट कर दिया गया है, एक तरीके से कस दिया गया है. तो हम कह सकते हैं स्क्रूज के साथ कस दिया गया है, या हम कह सकते हैं फैंसी नेम इज रिवेट्स. तो हम इसको विजुलाइज करते हैं. ये रही 2 मेटल की स्ट्रिप्स और दोनों को कुछ इस तरीके से इकट्ठा बांध दिया गया है विथ 4 रिवेट्स. तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 4 रिवेट्स की तरह उसको कस दिया गया. ठीक है, हर एक का डायमीटर दे रखा है, ये कितने डायमीटर है. उन्होंने बोला है कि कितनी टेंशन क्रिएट हो जाएगी एग्जर्टेड बाय द रिवेट स्ट्रिप इफ द शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द रिवेट इज नॉट टू एक्सीड दिस मच. यानी कि इसके ऊपर कितनी टेंशन क्रिएट, कि इन रिवेट्स के ऊपर कितनी टेंशन क्रिएट हो जाएगी अगर मैं इस दोनों स्ट्रिप्स को ऐसे खींचती हूँ. तो आपको पता ही, अगर दोनों स्ट्रिप्स को अगर हम अच्छे से खींचेंगे तो एक तरीके से उसके अंदर क्या होगा, उसकी पोजीशन में चेंज आएगा. तो यानी कि उसके ऊपर क्या क्रिएट होएगा, शेयरिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा. ठीक है, हमें पता है कि शेयरिंग स्ट्रेस कौन सा होता है, वो जो पोजीशन वाला होता है, जो उसकी शेप वाला स्ट्रेस होता है. ठीक है, तो उन्होंने बोला है इससे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा आपको पता है डिफॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, चेंजिंग शेप हो जाएगा एकदम से. तो हमें क्या चाहिए, वो हमें उसको डिफॉर्म नहीं करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही हम स्ट्रेस दे सकते हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते. तो अगर इतना स्ट्रेस है तो उसके ऊपर कितनी टेंशन क्रिएट होगी. तो हम अगर पूरी तरीके से खींच रहे हैं तो कितनी टेंशन क्रिएट होगी, सिंपल सी बात है. हम तो स्ट्रिप्स क्यों को खींच रहे हैं, हम तो स्ट्रिप्स को हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट. तो ये रिवेट्स का क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, रिवेट्स की हमें क्यों दे रखी है हर एक बात. तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, जितना मैं फोर्स स्ट्रिप्स के ऊपर लगा रही हूँ उतना ही फोर्स तो रिवेट्स के ऊपर लगेगा. ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स या फिर टेंशन अपॉन एरिया. ठीक है, तो जितना स्ट्रेस अगर मैं स्ट्रिप के ऊपर लगाऊंगी उतना ही स्ट्रेस तो रिवेट्स के ऊपर क्रिएट हो रहा है. तो उन्होंने बोला है कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. यानी कि स्ट्रेस कौन से वाला हमें दे रखा है, हमें रिवेट्स वाला स्ट्रेस दे रखा है. ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, हमें हर एक डिटेलिंग रिवेट्स की ही दे रखी है. जैसे कि डायमीटर है, तो यानी कि हम एरिया में रिवेट्स का ही डायमीटर यूज़ करेंगे, उन्हीं का ही हम एरिया यूज़ करेंगे. और टेंशन किसके ऊपर क्रिएट हो रही है, हम रिवेट्स के ऊपर ही बताएंगे कि टेंशन भी रिवेट्स के ऊपर ही क्रिएट हो रही है, हो दोनों पर इक्वली रही है, चाहे मैं स्ट्रिप्स की बात करूँ चाहे मैं रिवेट्स की बात करूँ. अगर मैं खींच रही हूँ तो स्ट्रिप्स पे भी उतनी ही टेंशन क्रिएट होगी, उतना ही स्ट्रेस क्रिएट होगा जितना रिवेट्स के ऊपर होगा. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रिप्स की इंफॉर्मेशन ना देके हमें रिवेट्स की दे रखी है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग रिवेट्स की सारी इंफॉर्मेशन हेयर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेस हमें गिवन है, दैट इज 6.9 × 10⁻⁷ पास्कल. ठीक है, एरिया, तो एरिया हम रिवेट्स का यूज़ कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो पाई आर, डायमीटर हमें 3 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 mm, तो 3, लेकिन mm है तो मीटर के लिए क्या करेंगे, 10⁻³⁻³ मीटर हो जाएगा, तो एरिया भी निकल आया. अब बात करते हैं टेंशन की. उन्होंने बोला है एज्यूम दैट ईच रिवेट इज टू कैरी 1/4 ऑफ द लोड. 1/4 ऑफ द लोड, 1/4 का मतलब क्या है कि 4 है, तो जितने भी टोटल है उसका 1/4 एक ले रहे हैं, यानी कि 1/4 लोड जो क्रिएट हो रहा है वो एक जना ले रहा है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल लोड कितना है, टोटल लोड F लगा लो, फोर्स इतना क्रिएट हो रहा है, टेंशन इतनी क्रिएट हो रही है, तो लोड ऑन 1 रिवेट, टोटल कितने रिवेट है, 4, एक के ऊपर कितना होगा, F बाय 4 क्रिएट होगा. ठीक है, तो अब हम ये सारे के सारे चीज़ें इसके ऊपर लिख देते हैं. ये हो गई, यानी कि एक तरीके से क्या हो गई, टेंशन हो गई. ठीक है, तो अब यहाँ सारी की सारी लिख देते हैं. दैट इज स्ट्रेस आपके पास है 6.9 × 10⁻⁷. एफ कितना, टेंशन कितनी आई है, एफ बाय 4. एरिया कितना आया है आपके पास, पाई इंटू 3 × 10⁻³⁾. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये एफ इक्वल्स टू आ जाएगा, ये डिवाइड में 4 है, तो 4 इंटू
3.14 इंटू 3 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3, और ये वाला भी मल्टीप्लाई में आएगा। तो जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, वन मोर थिंग, आर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा फोर्स 2, 6, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आता है 7800। वैसे तो एक्चुअल में बहुत सारे कैलकुलेशन के हम करेंगे तो 7.79 समथिंग आ रहा है, तो ये हम अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके ले रहे हैं 7800 न्यूटन, दैट कैन बी रिटन एज 7.8 किलो न्यूटन। किलो के लिए डिवाइड में 1000 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन 20। चलिए करते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, द मेरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन एंड एट वन प्लेस इट इज नियरली 11 किलोमीटर बीनीथ द सर्फेस ऑफ द वाटर। द वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंच इज अबाउट 1.1 × 10⁻¹⁸ पास्कल। अ स्टील बॉल इज ऑफ इनिशियल वॉल्यूम दिस इज ड्रॉप्ड इन टू द ओशन एंड फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द ट्रेंच। वट इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल वेन इट रीचेज टू द बॉटम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंच क्या है, मरीना ट्रेंच क्या है। तो ओशन के अंदर आपको पता है कि जो उनका जो बेस होता है वो एक जैसा नहीं होता है ना, तो कहीं पर ज़्यादा गहरा होता है, कहीं कम गहरा होता है, इस तरीके का ओशन होता है। तो जो मरीना ट्रेंच है वो क्या है, वो आपको मैं कह सकती हूँ, वो इतना बड़ा है, इतना गहरा होता है, इतना गहरा नियर अबाउट 200 किलोमीटर तक नीचे तक गहरा होता है, कि आप उसको आप ऐसे समझिए कि अगर माउंट एवरेस्ट भी अगर ओशन के सरफेस पर चला जाए तो भी उस ट्रेंच के अंदर दिखाई नहीं देगा। आप साथ में पिक्चर देख सकते हो ये ट्रेंच क्या किस तरीके की मैं बता रही हूँ, कि इस तरफ भी पहाड़, इस तरफ भी पहाड़, और बीच में एक तरीके की खाई है, और ये खाई बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी होती है। तो आप बता खुद सोचिए, माउंट एवरेस्ट तक इसके अंदर छुप जाएगा, ऊपर से दिखेगा नहीं कि कितनी गहरी है। मैं आपको बता ही रही हूँ 200 किलोमीटर के अराउंड होती है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंच है, ऑब्वियसली बात है अगर इतना गहरा है तो वहाँ पे पानी का प्रेशर भी तो बहुत ज़्यादा होगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या गिर गई है, वहाँ पे एक स्टील की बॉल गिर गई जिसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था। अब उसके ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज तो आएगा ही, ठीक है। वैसे क्या हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी अगर इतना प्रेशर लगेगा उसके ऊपर बेचारी पे, तो है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम हमें दे रखा है उसका, हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम निकालना है हमें उसका, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है कि इतना प्रेशर उस है, वहाँ पे इतना प्रेशर है। तो जब कभी भी प्रेशर की बात होती है, चेंज इन वॉल्यूम की बात होती है, तो हमें पता होता है कि हमें क्या इंट्रोड्यूस कराना है, यस बल्क मॉडुलस इंट्रोड्यूस कराना है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, ये वाला चीज। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा प्रेशर लिखते हैं, पी वी बाय डेल्टा वी। वैसे ये नेगेटिव में होता है लेकिन हम मॉडुलस ले लेंगे इस चीज़ का, ठीक है, सो दैट हम इसके आंसर को फाइंड कर सकें। अब नेक्स्ट, तो बी इक्वल्स टू पी इंटू वी बाय डेल्टा वी। अब बल्क मॉडुलस तो हमें पता होता है स्टील का, प्रेशर हमें गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है, हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा वी इधर आ जाएगा, पी वी बाय बी हो जाएगा, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। दिस इज 1.1 × 10⁸ वॉल्यूम इज 0.32 डिवाइड में बल्क मॉडुलस इज 160 × 10⁹। तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम जो कैलकुलेट होगा वो होगा 2.2 × 10⁻⁴ एंड इट इज इन मीटर क्यूब्स। तो इतना चेंज इन वॉल्यूम होगा जब स्टील बॉल ट्रेंच के बॉटम में चले जाएगी, इतना प्रेशर क्रिएट होने के बाद उसका वॉल्यूम इतना ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।